नमस्कार दोस्तों, समाचार फर्स्ट में आज हमारे साथ हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं रामलाल ठाकुर जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह का चुनाव प्रचार उनका चल रहा है। ठाकुर साहब, चुनाव कांग्रेस का देरी से शुरू हुआ प्रचार जो है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं देखो, देरी से नहीं शुरू हुआ। अगर आप पिछले चुनावों की तुलना में अगर देखा जाए तो इस बार हमारे को काफी समय मिला है। नहीं तो कई बार ये होता था कि कांग्रेस पार्टी का टिकट की जब अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद 18 दिन बचते, एक बार 20 दिन बचे। इस बार तो जो है 100 मिलना 150 मिलना है। मतलब आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं कह रहा हूँ, पहले जो है ना कम टाइम मिलता था, इस बार जो है क्योंकि लास्ट चरण में हमारे चुनाव है तो काफी समय है। सर, अगर भाजपा की बात करें तो इस समय महिला मोर्चा के सम्मेलन हो चुके हैं, उसके बाद इनके युवा सम्मेलन हो चुके, अनुसूचित जाति के सम्मेलन हो चुके, लेकिन कांग्रेस की शुरुआत अभी दिखाई नहीं दे रही है। ज्यादातर सम्मेलन करने से अगर आप ये कहें कि चुनावों के समय में सम्मेलन हो और फिर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी जो है उसका फायदा चुनाव में उठाएंगी तो वो संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव में सजग है, गांव-गांव में चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष है नौजवान हैं, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। ये दिखावा हम नहीं कर रहे हैं कि जी सम्मेलन करो फिर जाओ उनको भाषण दो फिर और अगले रास्ते में चले। चुनाव जब है तो चुनाव चुनाव की तरह है। मतलब ये सम्मेलन वगैरह जैसे चल रहे हैं तो इनकी कोई ज्यादा फर्क आप देख नहीं रहे? दिखावे के लिए भाजपा का दिखावा है, भाजपा का। सर थोड़ी अगर कांग्रेस की बात करें तो हाल ही में बंबर ठाकुर और उनके समर्थकों के ऊपर एक एक्शन हुआ है, निकाला गया कुछ लोगों को बिलासपुर में पार्टी से, सुरेश चंदेरी को लेकर जो पुतला वगैरह उन्होंने जलाया था, तो सर उसको लेकर अब आपका क्या स्टेप रहेगा? उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। तो पार्टी का ने एक्शन लिया है और जो मसला था उसके ऊपर आज की तारीख में पार्टी का उम्मीदवार होने के नाते मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अच्छा सर, एक सवाल और है कि करीब 3 साल पहले की बात करें तो आपने वहां के स्थानीय विधायक थे बंबर ठाकुर जी, उस समय उनके ऊपर आपने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। मेरे इस चुनाव में उस प्रकार की टिप्पणियां आज की चुनाव में अगर करना है तो मैं कहूंगा उस समय के मुताबिक ठीक नहीं होगा। पहले क्या था, उन्होंने क्या कहा था, उनके समर्थकों ने क्या कहा था, एक बहुत बड़ा जो है वो पुरानी चीज है। मतलब पुरानी बातें एवरीथिंग हैज बीन सेटल्ड। और मैं कहूंगा कि बंबर ठाकुर भी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं जिला के, तो वो भी काम करेंगे। पुरानी चीजें तो बड़ी कुछ होती हैं। सर टिकट की बात करें तो आप जैसे कांग्रेस का टिकट आपको मिला था तो आप आश्वस्त थे कि आपको टिकट मिलेगा? नहीं देखो, मैं आपसे ये बात कहूँ कि मैंने पार्टी के टिकट के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया था, लेकिन जब सारी जिलों से या सारी जो हमारी पार्टी है या हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है या हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्होंने जो चर्चा करी है उस चर्चा में क्या निकल के आया है तो उसके मुताबिक हाईकमांड ने फैसला किया। और मैं सब नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए सर्वसम्मति से पार्टी ने फैसला किया। ऐसा क्या दिखा पार्टी को कि उन्होंने आपको टिकट दिया? एक बार फिर से आपको मौका देना बड़ी बात है। आप बताओ कि क्या मैं उस चीज का मैं जवाब दूँ कि भी पार्टी ने मेरे को क्यों चुना, दूसरे जो है ना उसके लिए सक्षम नहीं थे। जो पार्टी ने फैसला किया उसके मुताबिक जो है मैं चुनाव में उतरा। सर चलो ये तो कांग्रेस की बात थी, भाजपा के उम्मीदवार की बात करें तो आज वो एक बड़ा चेहरा हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है और युवा चेहरा भी है वो। नहीं बड़ा चेहरा जो आपने बोला, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं और भी उनके काफी ज्यादा सहयोग रहे हैं काफी कामों में। क्या क्या है ना अभी आपको बताते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक युवा चेहरे को आप टक्कर दे पाने में कितना सक्षम समझते हैं? आप भी अपने कुश्ती के पहलवान रहे हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, मैं पेशे का वकील हूँ। दूसरी चीज ये है कि मैं स्पोर्ट्समैन भी था, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे मुझे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में और यहाँ तक कि भारतीय दल का नेतृत्व करने का मौका भी मिला है। पर जहाँ तक आप ये कह रहे हैं
कि वो युवा चेहरा है, तो मैं जो राजनीति में आया था और मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो मेरी 32 साल की उम्र थी। मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और मैं पहली साल जो है 6 दिनों के बाद मैं पहली बार मंत्री बन गया। मेरा बड़ा लंबा सफर जो है राजनीति में रहा है। मैंने कोई 1 डज़न से ज़्यादा जो विभाग है उनका स्वतंत्र कार्यभार देखा है और कोशिश करी है कि मैं अपनी जो है वो बुद्धि के मुताबिक, सामर्थ्य के मुताबिक जो है काम करूं। जहाँ तक आप ये कहते हैं कि जी वो बहुत बड़ा नाम है, उनका बहुत बड़ा अच्छा देखने में बड़े सुंदर हैं, तो ठीक है भाई सुंदर हैं, मेरी उम्र थोड़ी उनसे ज़्यादा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कई बार जो नई चेसियाँ हैं ना वो टेढ़ी हो जाती है, पुरानी चेसियाँ जो बढ़िया चलती हैं वो आज भी रिजल्ट देती हैं, कई बार जो है ना 4 साल पुरानी जो चेसी है टेढ़ी हो जाती है, ये भी ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि जो बड़े चेहरे की आप बात कर रहे हैं, बड़ा चेहरा तब था जब प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रेम कुमार धूमल उनके पूजनीय पिताजी जब विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिक्लेयर किया था, तो आज की तारीख में जो चुनाव होगा वो बड़े चेहरे से नहीं होगा, अनुराग ठाकुर का चुनाव रामलाल ठाकुर से। सर, हमीरपुर लोकसभा में जो कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी रही है आपको भी पता है चीज का, तो उसको वो चीजें ना हो उसके लिए भी कोई ऊपर से कोई आदेश आया है? ये आदेश से नहीं होता जी, मैं उम्मीदवार हूँ और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे सामने कोई गुटबाजी नहीं होगी। पार्टी के सभी लोग जो है, गुटबाजी नहीं होती, कई बार जो है वो मतभेद होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, अगर कुछ मतभेद होंगे तो उनको सबको कंट्रोल करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व हिमाचल प्रदेश का है या हमारा नीचे जो ग्रामीण स्तर के जो हमारे नेता है पंचायत स्तर के, उन सबको साथ लेके जो है वो मैं चुनाव में आगे जाऊँ। 3 लोकसभा के चुनाव आपने पहले भी लड़े हैं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से, तो उनका भी कोई लाभ मिलेगा आपको? लाभ क्या मिलेगा, मैं पब्लिक में रहा हूँ, जनसंपर्क में, मैं जनसंपर्क अभियान तब भी राज्य में चुनाव हार गया था, विधानसभा का चुनाव हारा, मैंने लोगों को नहीं छोड़ा, और वही परिणाम हुआ कि लोगों ने, क्योंकि इस बार जो है जो फिजा थी वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी, लेकिन लोगों ने जो है वो मेरा समर्थन किया, मैं विधानसभा में फिर दोबारा से चुन के गया। सर, एक अंतिम सवाल कि अनुराग ठाकुर हमेशा जब भी उम्मीदवार बनते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं हमीरपुर पार्लियामेंट्री के लोगों से, तो आपको क्या लगता है कि अब इस बार फिर वो दौड़ में है तो पता नहीं कौन से नए वादे होंगे इन लोगों के साथ? जैसे ट्रेन का मुद्दा था, काफी चला लेकिन अभी ट्रेन का कुछ हुआ नहीं, तो इस तरह की जो बातें हैं उनको काटने के लिए आप क्या करेंगे? देखो भाई, झूठ को काटने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया सकता, लेकिन वो बोलते हैं कि हमीरपुर लोकसभा जो है, अगर मान लो उन्होंने 4 चुनाव से, उनके पिताजी जब चुनाव लड़े थे तब भी रेल लाइन बिलासपुर तक मोनोपोली से लाने की बात कही गई थी, और ये जो मैं कहूँगा जो हमारी ऊना तक रेल लाइन निकली है, सबको मालूम है कि स्वर्गीय नारायण चंद्र पराशर जी ने इस रेल लाइन को जो है ऊना तक पहुँचाया। बाद में अनुराग जी आके वो पिताजी के पदचिन्हों पर चल के उन्होंने पहली बार बिलासपुर वाली रेल लाइन की बात कही, फिर हमीरपुर में भी रेल लाइन आ गई, फिर ज्वालाजी में भी रेल लाइन आ गई। अब वो उसके ऊपर जो आदमी झूठ बोलता है, जो हमेशा ये कहेगा कि जितने कार्यक्रम काम हो रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है, वो सारी की सारी जो है वो अनुराग की मेहरबानी से हो रहा है, ऐसा नहीं है, लोग जानते हैं, और जितने भी काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के करने के हैं वो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी 4 लेन का काम बिलासपुर का जो है वो 2-2.5 सालों से बंद पड़ा है, तो क्या मेंबर पार्लियामेंट जो है वो उनकी जिम्मेवारी नहीं थी वो पार्लियामेंट के अंदर या बाहर इस बात को उठाते? नहीं उठाए। ऐसे ही रेल लाइन की बात है, कप्पे मारनी हो तो जो मर्जी मारो, लेकिन ये एक मैं कहना चाहूँगा कि झूठ के सारे चुनाव नहीं लड़े जा सकते। तो सर, आप उम्मीदवार हैं तो अनुराग का ये जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, इसको आप कैसे मानते हैं? भाई, लोगों से पूछो, मैं जहाँ पे गया हूँ बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जो
एमपी को कहा मिलता है चुनाव क्षेत्र में देने के लिए, घोषणाएं हुई और उसके बाद ऐसा दिया ही नहीं। एक मैं धर्मपुर की आपसे बात करना चाहूंगा, आज मैं धर्मपुर में था, एक काम के लिए 52 लाख रुपए दिए और 52 लाख रुपए देके वो पैसा 52 लाख वापिस भी हुए। ऐसे ऐसे जो उदाहरण हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को जवाब बातों का एमपी साहब को दें।